हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस ऑफ क्विक एक्सेल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैसे टेक्स्ट कैसे हमारे एक्सेल फाइल में टेक्स्ट और नंबर एंटर किए जाते हैं। चलिए हम ओपन कर लेते हैं एक नई सीट। फ्रेंड्स, ये आपके सामने ओपन हो चुकी है एक्सेल सीट। अब हम इसमें सीखेंगे कि टेक्स्ट फंक्शन और न्यूमेरिक फंक्शन कैसे एंटर किए जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए मैं अपनी सीट का नाम रख देता हूँ मंथली बजट। मैं अपने घर में क्या क्या खर्चा करता हूँ या क्या नहीं करता हूँ वो सब चीज़ें। ये मैंने एक्सपेंसेस का एक हेड बना लिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर क्या क्या खर्चा होता है, जैसे महीने का मेरा रेंट जाता है और क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या है फ्रेंड्स, ग्रॉसरीज, फ्यूल, अदर। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जैसे हेडिंग डाल दी है और यहाँ पे मेरे खर्चे आ गए। हमेशा याद रखिएगा टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है। जब भी आप नई एक्सेल फाइल स्टार्ट करेंगे तो उसका क्या होता है, और हमेशा लेफ्ट से चालू होता है। जैसे आप कॉपी में भी जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट से ही चालू करते हैं। सेम वैसे ही हमारी एक्सेल की फाइल में होता है। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया अभी रो में इंसर्ट किया है, वैसे अब मैं क्या करूँगा, कॉलम में बनाऊंगा। मान लीजिए ये क्या है, मेरे एक्सपेंसेस के हेड हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मंथ वाइज कंपेरिजन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मंथ्स डाल देता हूँ। फ्रेंड्स, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जैसे फ्रेंड्स सितंबर चल रहा है। मान लीजिए मैं जुलाई से डाटा एंटर करता हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक टोटल का कॉलम भी बना लेता हूँ। सेम वैसे ही क्या करते हैं हम लोग, यहाँ नीचे जाके टोटल का यहाँ पे भी कॉलम बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना भी आपने टेक्स्ट एंटर किया क्या हुआ, वो लेफ्ट साइड से ही चालू हुआ है। ये अलग बात है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। होप सो आपको टेक्स्ट फंक्शन समझ आया होगा। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं न्यूमेरिक डाटा कैसे एंटर किया जाता है। चलिए आते हैं, ये देखिए मान लीजिए मेरा रेंट का खर्चा है हर महीने का 6000। मैं यहाँ पे 6000 डाल देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी मोटा मोटी 500 आता है, मैं वो भी डाल देता हूँ। ग्रॉसरीज का मान लीजिए 3000 है, फ्यूल का 2500 है, अदर छोटे मोटे जो भी हैं वो मेरे मान के चलिए 3500। अगस्त में चलते हैं, रेंट तो मेरा लगभग सेम है, इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए 420, ग्रॉसरीज 3500, फ्यूल 2200, अदर 4000। सितंबर तो अभी खैर चल रहा है, अब जो भी खर्चे आएंगे वो अलग बात है, बट अपन नॉर्मली एक एस्टिमेटेड फिगर डाल लेते कि हाँ मेरा रेंट 6000 लगना है, बिजली बिल मान के चले 550 आएगा, ग्रॉसरीज 3000, फ्यूल 2400, अदर मोटा मोटी इतना। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने न्यूमेरिक फंक्शन भी यहाँ पे एंटर्ड कर दिया। न्यूमेरिक डाटा आपको क्या दिख रहा होगा, राइट से लेफ्ट दिख रहे हैं फ्रेंड्स, क्यों, इसका भी एक रीजन है। चलिए एक चीज़ दिखाता हूँ। मान के चलिए अभी तो क्या है ये राउंड फिगर में, अगर मैं इसको पॉइंट्स में डाल दूं फ्रेंड्स, मान के चलिए यहाँ डाल देते हैं 65, यहाँ डाल देते हैं 53, यहाँ डाल देते हैं 25,
यहाँ डाल देते हैं 83, यहाँ डाल देते हैं 0.64। इसका एक रीजन है फ्रेंड्स, मेन देखिए जो अपना पॉइंट लगा हुआ ये क्या होता है, एक लाइन में आता है फ्रेंड्स। अदरवाइज मान के चलिए अगर ये क्या होता, मेरा लेफ्ट से चालू होता तो ये पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आता, ये क्या होता इधर उधर जाता। ये देखिए एक यहाँ दिख रहा, एक यहाँ दिख रहा, एक यहाँ दिख रहा, इस टाइप से बेकार फॉर्मेट दिखते हैं। इसलिए हमारा एक्सेल जो ऑलरेडी फॉर्मेटिंग है वही लेता है। होप्स आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। चलिए मैं वापस से इसको हटा देता हूँ, अपन जो रखे थे वही करते हैं। तो होप्स फ्रेंड आपको समझ आया होगा कि अपन यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन और न्यूमेरिक डाटा कैसे एंटर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा मंथली खर्चा कितना था, क्या था। तो सम के फॉर्मूले दो तीन टाइप के होते हैं, मैं क्या करता हूँ चलिए एक एक करके पहले जोड़ लेता हूँ। 1, 2, 3, 4 and 5, ये हो गया मेरा कितना टोटल आ गया यहाँ पे जुलाई का। नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर्मूले के थ्रू फ्रेंड्स सम कैसे लगाते हैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और मैं क्या करता हूँ पूरे रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कहाँ से C4 से लेके जहाँ तक मेरे को जोड़ना है C8 तक। और जैसे मैं एंटर करूँगा ये देखिए यहाँ पे टोटल आ गया फ्रेंड्स। वैसे ही यहाँ पे क्या जाते हैं अपन सब टोटल का फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। सब टोटल का फंक्शन कैसे लगता है ये मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स, और कहाँ जाता हूँ ऑटो सम में। जैसे ही मैं ऑटो सम पे क्लिक करूँगा उसका नीचे टोटल आ जाएगा, ये देखिए। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। आपको सारे फंक्शन धीरे धीरे मैं बताऊंगा। सेम यहां पे भी अपन क्या करते हैं टोटल अप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। मैं सीधा टोटल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ले B4 से लेके D4 तक। अब आप चाहे तो इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपका टोटल आ गया। चलो फ्रेंड्स आज यहीं तक, आगे देखेंगे हम इस शीट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं।